हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 के स्टार्टिंग से पहले कुछ आईपीएल टीमों को काफ़ी तगड़ा झटका लगा था, जहां पर खासकर मुंबई इंडियंस और सीएसके के लिए काफ़ी बुरी खबरें निकल कर आई थी। मुंबई इंडियंस की साइड से ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और उनके साथ ही अब जॉय रिचर्डसन भी बाहर हो चुके हैं, जबकि अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तो इनकी साइड से काइल जेमिसन बाहर हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में इन सभी प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के बारे में आप लोगों को पूरी 100% इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी क्रिकेट से 6 महीनों के लिए बाहर हो चुके हैं। अगर आप लोग चैनल के एक्टिव व्यूअर है तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अपने जो रिकवरी की प्रोसेस है, सर्जरी की प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो पहले भी हमने आपको बताया कि संदीप शर्मा ही वो गेंदबाज होने वाले हैं जिनके साथ एमआई की टीम स्टिक करने वाली है। हालांकि वरुण एरन का नाम भी हमें देखने को मिला था, लेकिन अब रिपोर्टेडली संदीप शर्मा क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के साथ पहले से ही हैं और एमआई की टीम ने इनको पहले ही अपनी टीम में ले लिया था कि बुमराह के साथ अगर कोई ऐसा इशू आता है तो फिर ये इनको ही अपनी रिप्लेसमेंट बनाएंगे। तो अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संदीप शर्मा के नाम को ही मुंबई इंडियंस ने फाइनलाइज कर लिया है जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर। इनके बाद इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है मुंबई इंडियंस के जॉय रिचर्डसन का, जहां पर जॉय रिचर्डसन को मुंबई इंडियंस की टीम ने इस बार खरीदा था और उसके बाद उम्मीद काफी ज्यादा थी कि शायद ही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में भी हमें मैच नंबर 1 से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं, जिसका मतलब है आईपीएल 2023 में भी जॉय रिचर्डसन हमें देखने को नहीं मिलने वाले। अब अगर बात की जाए इनके रिप्लेसमेंट की तो रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया है रायली मेराडेथ को। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये लास्ट ईयर भी मुंबई इंडियंस की टीम के आईपीएल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसे में रायली मेराडेथ को एमआई की टीम के एनवायरमेंट के बारे में पता है और ऐसे में बीबीएल में इनका परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिला था, तो एमआई की टीम की तरफ देख रही है। इनके बाद इस लिस्ट में आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से काइल जेमिसन। जेमिसन की अगर बात की जाए तो ये भी पूरे के पूरे आईपीएल 2023 से बाहर हो चुके हैं और इनके रिप्लेसमेंट के बारे में हमने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको वापस बता रहे हैं कि हालांकि सीएसके का मैनेजमेंट चाहता था कि दाशिन शनाका को सीएसके की टीम रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल करे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एमएसटी ने इस डिसीजन को चेंज कर दिया था और अब सीएसके की टीम दाशिन शनाका या फिर गेराल्ड कोइट्ज़ी, इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को या फिर ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करने वाली है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग शनाका या फिर गेराल्ड कोइट्ज़ी में से कौन से प्लेयर को सीएसके में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।